नमस्कार, आप देख रहे हैं जीमेन 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। महिषी विधानसभा के विधायक गुंजेश्वर साह ने कमलेश्वर दिलमणि उच्च प्राथमिक विद्यालय धरहरा मुरादपुर का किया निरीक्षण। देखिए ये रिपोर्ट। विधायक जी ने कहा, क्लास सही चल रहा है, बच्चे स्कूल अधिक से अधिक आए, हर घंटे की पढ़ाई सही ढंग से हो, लेकिन यहाँ रूम की कमी है। बच्चों की पढ़ाई जिस तरह से होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। नामांकित बच्चे 1000 के लगभग है, लेकिन शिक्षक यहाँ पर 11 ही है। शिक्षक को भी बढ़ाया जाए, स्कूल के अंदर बहुत से चीजों की आवश्यक है। आज हम लोग बैठक किए हैं, हमारे विद्यालय में जो भी संसाधन था व्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए हमारे सभी कमेटी ने निर्णय लिया है। 2 महीने के अंदर रंग रोगन उच्चीकरण, शौचालय, पीने के लिए आरओ मशीन एवं कई तरह के उपकरण हैं, जो हम लोग बहुत जल्द ही धरातल पर लाने का काम करेंगे। क्लास तो सही चल रही है, हमारे शिक्षक सब बिल्कुल लगे हुए हैं, हर हालत में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिक से अधिक हो, हमारा हर क्लास सुचारू रूप से चले, हर घंटे की पढ़ाई सही ढंग से हो, लेकिन यहाँ कमरे की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई जिस ढंग से होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। और फिर जो असुविधा है, यहाँ पर पैसे का अभाव में बिल्डिंग की दशा है, बाउंड्री की दशा है, और बहुत आवश्यकता बहुत चीज़ की है। तो आज के बैठक में जो हमारे संसाधन हमारे विद्यालय में था, उसी से उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम सब हमारी कमेटी निर्णय ली है, और हम समझते हैं 1-2 महीने के अंदर में इसका रन रोगन हो जाएगा, बाउंड्री वाल का ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीमेन 24।